हेलो गाइस, दिस इज नवीद इलेक्ट्रिशियन। ये वीडियो तमाम लोग देखो, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, ऑटो हो या कार हो, और चाहे बजाज, अप्पी, अल्फा, मेगा, कोई भी गाड़ी हो, तमाम गाड़ियों में हेडलाइट जो होते हैं ना, ये डिम होते हैं। क्यों बोलते हैं? डिम हेडलाइटों की तमाम को प्रॉब्लम है और बहुत से लोग परेशान हैं कि हेडलाइट्स को बढ़ाएं कैसे। मतलब जो हेडलाइट का जो उजाला होता, इसको ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं या फिर फोकसिंग भी बोल सकते हैं, तो इसको बढ़ाएंगे कैसा। तो बहुत से लोग उजाले को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हेडलाइट को चेंज करते हैं। मतलब कम वाट का बल्ब को निकाल के ज़्यादा का लगा देते, जैसे 190 का हो गया या 150-130 के चेंज कर लेते। और बहुत से लोग अलग अलग किस्म के LED लाइट्स लगा लेते ताकि रात में गाड़ी चलाने में आसानी हो। तो देखो, ये कोई गलत नहीं है, ऐसा भी कर सकते, पर इसका सही तरीका क्या है? तो उसका सही तरीका है ये वाला हेडलाइट कटआउट, जो कि स्पेशली डिज़ाइन है यही गाड़ियों के लिए। यही गाड़ी मतलब ऑटो के लिए बोल के नहीं, तमाम गाड़ियों के लिए, चाहे ऑटो, बस, लारी, कार, ट्रैक्टर, कोई भी गाड़ी सड़क पर चल रही, मतलब रोड पर चल रही बोले तो बस हर गाड़ी के लिए लगा सकते। सिर्फ एक बाइक को छोड़ के तमाम गाड़ियों में आप इसको लगा सकते। इसको लगाने की मतलब क्या है, देखो इसके अंदर एक वायरिंग ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अब जो शोरूम के साथ जो वायरिंग आती है ना गाड़ियों की, ये मतलब बारीक वायर होते हैं जिससे पावर कम सप्लाई होता, और पावर कम सप्लाई होने से क्या है, लाइट जो होती है ना वो कम पावर से जलते, जिसकी वजह से आपको कम उजाला आता, तो रात में चलने के लिए दिक्कत होती, परेशानी होती। अगर आप ये वाला कटआउट लगा लिए ना, अगर आप ये वाला कटआउट लगा लिए तो इससे क्या होता, आपको अच्छा खासा करंट मिलता बल्बों को, और बल्ब जो है हमारे जो हेडलाइट्स के जो बल्ब है ना, वो ज़्यादा ब्राइटनेस देते और आपको रात में चलने के लिए ज़्यादा आसानी होती, मतलब फीचर्स मिलते समझ लो। और इसको लगाने के लिए कोई आपको अलग से साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखने और समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिन हो, चाहे संडे मंडे, किसी एक दिन भी 10 मिनट का आप टाइम निकाल के बैठ जाओ, इस वीडियो को देख लो, घर बैठे लगा सकते। कारों में भी लगा सकते, असली बहुत से लोग कारों में लगाते, ऑटो में नहीं लगाते। बहुत से लोग समझते कि भाई इसको ऑटो में नहीं लगा सकते, ऐसी बात नहीं है। देखो ये किसी एक गाड़ी के लिए बोल के नहीं है, हर गाड़ी में लगाते। क्या बोले तो थोड़ा महंगा है बोल के, इसीलिए क्या बहुत से लोग इसको नहीं लगाते। नहीं लगाना तो छोड़ दो, नाम को भी नहीं जाते। तो अगर आप इसको लगाना चाह रहे तो मैं इसका तरीका बताता, पहले इसको वीडियो को देख लो, अच्छा लगा तो जब जाके इसको आप लगाओ, नहीं बोले तो छोड़ दो, लाइट ले लो। तो ये है हमारा हेडलाइट कटआउट, और इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी हेडलैम्प वायरिंग हॉर्नेस, और इसके साइड में लिखा हुआ है इसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, जिसके ऊपर यहाँ देख सकते हैं, वायरिंग विथ 600 वाट्स रिले, मतलब 600 वाट का इसमें रिले है, और 150 वाट्स के बल्ब को ये सपोर्ट करता, मतलब 150 वाट तक के बल्बों को ये सपोर्ट कर सकता। और नीचे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ और कुछ लिखा हुआ है, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर हाई वाट्स 150-130 वाट हैलोजन लैंप्स, मतलब LED की बात नहीं हो रही यहाँ, यहाँ हैलोजन बल्ब्स की बात हो रही, जो कि हैलोजन लाइट को भी ये सपोर्ट कर सकता। तो फटाफट इसको बॉक्स से बाहर निकालेंगे, सबसे पहले आपको हेडलाइट का कटआउट मिल जाता, और उसके बाद इसके अंदर है हमारी कंप्लीट वायरिंग किट। और जैसे वायरिंग किट को निकालेंगे, बहुत से लोग यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाते कि अरे भाई इतने सारे वायर है, हम इसको लगाएंगे कैसे। देखो सबसे पहले ये कटआउट है, इसको समझ लो, और ये कटआउट को देख लो और साइड में रखो। और यहाँ पर देखो, पहली बात तो डरना और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग यहीं पर कन्फ्यूज़ होते हैं और कन खा लेते कि भाई अरे इतने सारे वायरों को हम कहाँ लगाएंगे। देखो पहले तो आपको ठंडे दिमाग से सोचना है और समझो पहले कि वायरिंग कहाँ जा रही है और कैसे जा रही, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, और एक एक करके बताता मैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक वायरिंग किट होके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही, और यहाँ चार फ्यूज़ है, ऊपर लिखा हुआ है फ्यूज़ 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 फ्यूज़, मतलब चार फ्यूज़ है, और उसके बाद एक होल्डर है, ओके। और ये जो होल्डर है वो है हमारा एक कटआउट का, जो कि देख सकते हैं ये कटआउट जो है ना इसमें बैठ जाता, मतलब समझ लो हमारा 20-25% काम कंप्लीट हो गया, ओके। कटआउट हम यहाँ पे फिट कर दिए, तकरीबन 20-25% काम हो गया हमारा। तो फटाफट इसका जो कटआउट है लगा देंगे। देखो इसमें हमको कोई पानों की या नट बोल्ट या स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमारा कटआउट लग गया, हमारा तकरीबन 20-25% काम कंप्लीट हो गया, और ये कटआउट बैठ गया, फ्यूज़ ऑलरेडी लगे हुए, ओके। तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, इन दोनों को साइड में रखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर तीन वायर जा रहे, एक वायर सबसे बारीक है, इसको निकालेंगे, ये किसका है, ये जाएगा हमारे बैटरी के मेन वायर को, मतलब पॉजिटिव प्लस वाले वायर को, जो लाल कलर का वायर रहता ना उसमें जाके लगेगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद देखो दो वायर जा रहे, दो वायर जाते जाते एक वायर अलग हो रहा,
और यहाँ पर देखो एक बार जाके दो होल्डर है, मतलब एक मेल होल्डर है और एक फीमेल होल्डर है। देखो ये जो होल्डर है, ये हेडलाइट का जो हम होल्डर निकाल रहे ना, वो होल्डर डायरेक्ट इसमें लगा देंगे, और ये जो होल्डर है लेफ्ट स्टैंड में मेरे, ये डायरेक्ट हेडलाइट के ऊपर लगा देंगे। बात ख़त्म हो गई, तकरीबन 50% काम ऐसा ही हो गया। देखो ये उसके बाद ये एक अर्थिंग वायर हो गई, ये हो गई अर्थिंग, इसको बॉडी में लगा दिए, तकरीबन 50% से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया। और उसके बाद देखो ये आखिरी वायर बची, ये डायरेक्ट हेडलाइट का होल्डर है, ये राइट साइड की हेडलाइट में लगाएंगे, और ये जो अर्थिंग का वायर है इसको अर्थिंग में लगा देंगे। ख़त्म हो गई बात, 100% काम कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ तक भी वीडियो देख लिए, बस आप लगा ले सकते, चाहे तो आप वीडियो को छोड़ दो। ओके, अगर आप पूरा देखना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, देख लो दोनों हेडलाइट को, डूमो को खोल लो। खोलने के बाद अब क्या करेंगे, देखो जैसा डूम खोले, खोलने के बाद अब ये जो हेडलाइट के होल्डर से अंदर से अब अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, वो ये वायरिंग का जो किट है इसको यहाँ पर रख लो ड्राइवर सीट के ऊपर। अब क्या करेंगे, ये जो फ्यूज़ बॉक्स है, फ्यूज़ बॉक्स और हेडलाइट का कटआउट, उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। लेफ्ट साइड का मतलब कहाँ, यहाँ पर जहाँ क्लच था, क्लच को यहाँ, ये ड्राइवर का जो लेफ्ट हैंड है यहाँ से शुरू करेंगे। और इसमें जो होल्डर था, मतलब इसमें वायर के अंदर एक में दो वायरों में, एक में एक होल्डर है और एक में दो होल्डर है, तो जो जो दो होल्डर से, मतलब एक वायर के अंदर जिसमें दो होल्डर है, एक में मेल होल्डर फीमेल होल्डर, और यहाँ देखो सिंगल होल्डर है ना, तो ये सिंगल होल्डर जाएगा राइट हैंड साइड में जहाँ पर एक्सेलेटर है यहाँ वाला, तो इस वाले में जाएगा ये सिंगल होल्डर। तो यहाँ से राइट साइड में से डालते हुए, देखो यहाँ से शायद कैमरे में नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ से डालते हुए बाहर चला जाएगा। देखो यहाँ से बाहर आ गया, ये सिंगल होल्डर है यहाँ पर आ गया, आने के बाद इसको बाहर खींच लेंगे, बाहर आ गया है तकरीबन। आने के बाद देखो सिंगल होल्डर है, इसके साथ और एक होल्डर नहीं है, बस एक अर्थिंग वायर है, तो इसको बाहर निकाल लिए। निकालने के बाद अब ये जो हेडलाइट है, हेडलाइट का होल्डर निकाल दो। निकालने के बाद ये जो हमारा वायरिंग के साथ होल्डर आया उसको इसके साथ लगा दो। ओके, बस तकरीबन काम हो गया हमारा। होने के बाद अब क्या करेंगे, ये होल्डर तो अब हम लगा दिए, अब क्या करेंगे, जो गाड़ी के साथ जो होल्डर है ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है, तो अभी जो शोरूम की जो वायरिंग का होल्डर है वो हमारे कोई काम का नहीं है। ये वाला होल्डर जो ब्लैक वाला गाड़ी के साथ आया, तो इसको पूरी ईमानदारी से इसको अंदर ढकल दो, अब ये हमारे कोई काम का नहीं है, इससे कोई शॉर्ट सर्किट होने का भी डर नहीं है। ओके, अब ये जो अर्थिंग का वायर है उसको यहाँ पर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं भी छेड़म छाड़ी करना नहीं है। उसको क्या करना है, देखो यहाँ पर साइड में देखो एक लब्बर है, ये लब्बर को निकालो, ये खाली निकल जाता, खाली ऐसा खींचो, बस निकल गया। अब क्या करना है, ये एक होल है यहाँ पे, तो यहाँ क्या करना, कोई स्क्रू ड्राइवर कटिंग प्लेयर या एक ऐसा फाइल से थोड़ा सा इसके ऊपर का जो कलर है उसको घसना है। घसने के बाद यहाँ पर उसको अर्थिंग दे देंगे, मतलब यहाँ से ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई देंगे यहाँ से। उसके लिए क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा घसने के बाद एक 8 नंबर या 10 नंबर का नट बोल्ट ले लेना है, ऐसा वाला 1 इंच वाला या 2 इंच वाला जो भी हो, नट बोल्ट लेने के बाद बोल्ट को अंदर से डालेंगे, और ऐसा अंदर से डालने के बाद ये जो वायर है हमारा अर्थिंग का, वायर को ऐसा बाहर से इसके ऊपर लगा दो, और लगाने के बाद देखो ये जो वायर है ना, इसको बाहर से लगाओ या अंदर से लगाओ, खैर जैसा भी हो यहाँ पर अर्थिंग पे लगा दो। लगाने के बाद इसको अच्छे से नट बोल्ट जो भी हो फिट करके टाइट कर दो, बस हो गया काम हमारा। मतलब राइट साइड का जो हमारा हेडलाइट का होल्डर था, जो वायरिंग थी, कम्प्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, इसको जैसा खोले थे वैसा वापस से लगा दो, काम कम्प्लीट हो गया हमारा, ख़त्म हो गई बात। देखो बहुत आसान है, बहुत से लोग क्या है समझते नहीं, खाली परेशान होते, घबराते। ओके, और एक बात देखो, यहाँ पे ये जो डूम और अंदर का रिंग, ये सारे के सारे देखो चमक रहे, चमक रहे मतलब ये नया है, नीट है, इसीलिए बोला था मैं कि ये नीट होना ज़रूरी है। यहाँ देखो बहुत से लोग क्या करते, इसके अंदर देखो यहाँ पर अंदर मार लग के, मतलब डैमेज है, अगर ऐसा पुराने रहे ना तो इसके अंदर का जो उजाला है वो सही नहीं आता। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये कटआउट लगा रहे तो आपका ये जो हेडलाइट का डूम है वो अच्छा होना ज़रूरी है, मोस्ट वांटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके हेडलाइट का डूम अच्छा नहीं रहा तो फिर आप ये जो हेडलाइट का डूम या बल्ब्स जो लगा रहे ना, ये सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे। ओके, चलो आप राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड आ गए। आने के बाद अब यहाँ पे देखो दो होल्डर है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ होना नहीं है, दो होल्डर है ना तो दोनों को भी बाहर ले लो। लेने के बाद क्या करेंगे, ये एक लेफ़्ट और एक राइट है, तो सबसे पहले क्या करो, ये दोनों होल्डर को भी बाहर निकाल लो। निकालने के बाद कन्फ्यूज़ नहीं होना है, फिर से बोल रहा हूँ, फिर देखो यहाँ पर एक अर्थिंग वायर है तो इसको भी बाहर निकाल लो। निकालने के बाद ये जो हेडलाइट का डूम है, डूम को ले लो। देखो ये डूम, सबसे पहले इसका होल्डर को बाहर निकाल लो। निकालने के बाद जैसा राइट साइड के हेडलाइट को हम लगाए थे, ये होल्डर जो खोले थे ना, डायरेक्ट होल्डर जैसा निकाले वैसा नया वाला होल्डर को लगा दो। लगाने के बाद
हो गया, लगा दिए। अब जो पुराना वाला जो होल्डर है राइट साइड के लाइट में अंदर ढकल लिए थे, लेफ्ट साइड वाले में क्या है अंदर नहीं ढकलना, बस ऐसा अंदर नहीं ढकलना। ओके, राइट साइड वाला अंदर छोड़ दिए थे, लेफ्ट साइड वाले में देखो ये जो अपना मेल वाला होल्डर है इसके अंदर लगा दो, बस ख़त्म हो गई। यही एक कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते। अब ये लब्बर फिर से निकालेंगे और इसको अच्छे से घस के फिर उसके बाद अर्थिंग लगा देंगे। तकरीबन अभी आपका 95% से भी ज़्यादा काम हो गया। अब आपका ये मेल होल्डर फीमेल होल्डर सारे के सारे हो गए, और ये जो ग्रीन वाली लाइट की पट्टी है ये इसीलिए निकली थी ताकि ये जो हेडलाइट का डूम है ना ये हम लोग नए डाले थे, तो नए डालने की वजह से जो पुराने डूम के ऊपर जो लाइट था ना तो वो निकाल के फिर इसके ऊपर हम लोग लगाए। अब फिर से इसको अच्छे से फेविक डाल के चिपका देंगे। ओके, फिर वापस से एक बार अंदर आएंगे। आने के बाद अब ये जो वायरिंग है ना सारी वायरिंग को इकट्ठा करके करने के बाद अब एक वायर और एक बच गई इसमें, मतलब अभी तो सिर्फ 95% काम हुआ। एक वायर और बताया था मैं आपको कि एक वायर को बैटरी से भी देना है। बैटरी से मतलब देखो ये वाला जो वायर है ना इसको क्या करना है, डायरेक्ट बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब मेन वाला जिसमें लाल कलर की वायर रहती है रेड कलर की, उसके साथ इसको जोड़ देना है। तो अभी हमारी जो बैटरी है ना वो पीछे है गाड़ी के, मतलब पीछे की सीट के नीचे है, तो ये वायर वहाँ तक नहीं जाती। तो अभी मैं टेम्पररी क्या कर रहा है इसके साथ एक और वायर को जोड़ दूंगा, जोड़ के अभी चाबी से दे रहा मैं। आप चाहे तो चाबी से भी दे सकते हैं, मगर सही तरीका क्या है कि इसको डायरेक्ट बैटरी से दिए तो ज़्यादा बेटर होता और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उजाला आता आपकी गाड़ी में। तो अभी और एक बात क्या बोलते हो, वीडियो भी लॉन्ग हो रहा, तकरीबन आपको 10-12 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए क्या है यहाँ चाबी से लगा के बता रहा मैं आपको, तो बैटरी से देना सही रहता इसको, तो उसके लिए क्या है। खैर अगर आप बैटरी से नहीं भी देना चाह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से चाबी से भी डायरेक्ट दे सकते। अगर आप बैटरी से भी दे रहे तो तकरीबन 8 mm की वायर लगाना, 8 mm से अगर नीचे की लगा रहे जैसे 6 mm या 4 mm की वायर लगा रहे तो उससे अच्छा भाई ये कटआउट लगाओ ही मत। क्यों बोलते, अगर उससे कम की वायर 8 mm या 10 mm से कम की वायर लगाए ना तो फिर ये कटआउट लगा के मतलब नहीं है, खाली आपके पैसे वेस्ट, करंट का उजाला उतना अच्छा नहीं आता। तो और अगर यहाँ पर लगा रहे तो देखो कहाँ पर लगाना बोलते हो, ये हमारा मेन इग्निशन का जो होल्डर है मतलब चाबी गड्ढे का जो मेन कपलर है उसको निकाल लो। निकालने के बाद यहाँ पर देखो नीचे में एकदम ये कॉर्नर पे अभी जहाँ पर स्क्रीन पे देख रही है मेन वाला इग्निशन का स्विच है, मतलब यहाँ इसमें क्या है चाबी ऑन करने से करंट आता और चाबी बंद करने से करंट बंद हो जाता, तो इसके साथ इसको लगा दो। लगाने के बाद फिर वापस से कपलर को जैसा खोले थे वैसा अच्छे से टाइट लगा दो, बस हो गया काम। अब यहाँ करने से क्या हुआ, और एक ख़ास बात, इसमें हम कोई वायर को काटे नहीं तोड़े नहीं। फिर आप क्या करेंगे, जो होल्डर है ना ये जो कटआउट है इसको देखो यहाँ पर एक पट्टी है अंदर क्या है नट बोल्ट लगा के फिट कर देंगे, और ये जो चारों फ्यूज़ है देखो सारे के चारे खुलते ही है, देखो ये एक और उसके बाद ये दो, मतलब इसके अंदर 20 नंबर के फ्यूज़ है, चारों के चारों फ्यूज़ सिंगल सिंगल है। अगर इनकेस कभी कोई भी एक भी फ्यूज़ चला गया उड़ गया या शॉर्ट हो गया तो एक एक करके आप फ्यूज़ चारों के चारों बदल सकते, तो ये एक बहुत अच्छी ख़ास बात है इसके अंदर। तो ऐसा कभी होता नहीं, चार के चार नहीं जाते, अगर इनकेस कभी ख़राब हो भी गए तो आप एक एक करके भी बदल सकते। और अब ये कटआउट को ऊपर कहीं पर फिट कर दो एक जगह इकट्ठा करके, और अब एक बार इसका डेमो चेक कर लेंगे बाहर आके। तो देखो अभी हम लोग ऑन कर दिए लाइट को, अभी ये दिन का टाइम है तो अभी रात का भी चेक करने वाले थे हम लोग पर अभी नहीं कर सक रहे, तो अभी उसके लिए सॉरी। तो देखो अभी ये अपर डिपर दोनों हो रहा, खैर अच्छा है पहले से तो बहुत अच्छा लाइट है। तो ये था वीडियो। अब जब ये आप कटआउट लगा रहे तो इससे पहले तीन बातों का ध्यान रखो, अगर आपका हेडलाइट का डूम ख़राब है और आप ये कटआउट लगा रहे तो सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे मगर आपको उजाला अच्छा नहीं आएगा। और दूसरी बात, जब आप ये कटआउट लगा रहे तो हेडलाइट के जो बल्ब्स होते मतलब ये कटआउट लगाने के बाद वो बल्बों को बदल दो, या तो 55-55 के बल्ब चेंज कर लो, मतलब पुराने बल्ब निकाल के 55 के बल्ब डाल लो, या फिर अगर आपकी गाड़ी की बैटरी बड़ी है, बड़ी का मतलब जो गाड़ी के साथ जो बैटरी आती है वो छोटे बैटरी आते, उसको कभी अगर वो ख़राब हो गई फिर आप नई बैटरी डालें तो सेम बैटरी नहीं, उसको निकाल के अगर आप बड़ी साइज़ की बैटरी डाल लिए तो तब जाके 190 के बल्ब डाल लो और अच्छा उजाला आता। और तीसरी बात, जो आखिरी में जो वायर बताया था मैं आपको बैटरी को लगाने का, वो बैटरी से ही लगाना डायरेक्ट, चाबी से नहीं लगाना। क्यों बोलते, अभी मैं आपको वीडियो में बहुत लॉन्ग हो रहा बोल के चाबी से लगा के बताया, तो उसको बैटरी से लगा दो। तो ये तीन काम कर लो एकदम लाजवाब और एकदम हाईलाइट, मतलब बहुत अच्छा उजाला देखने को मिलेगा। तो ये तीन बातों का ध्यान रख लो।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास जाके भाई ये कटआउट मेरे को गाड़ी में लगाना है बोल के बता दो, कोई भी इलेक्ट्रिशियन करके बताता। और अगर आपको ये ख़रीदना है तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी गांव में आपको ये मिल जाता। अगर इनकेस नहीं मिल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी वीडियो के नीचे लिंक है देखो डिस्क्रिप्शन में, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाते ये, तो उसका लिंक मैं ऐड कर दिया इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो इस वीडियो को शेयर करो लोगों के साथ। क्यों बोलते, अब नेक्स्ट बारिश आने वाला है तो रात में गाड़ियाँ जब चले तो हेडलाइट्स का प्रॉब्लम बहुत आता। अगर ये वीडियो और लोगों तक पहुंच गया तो लोगों की भी हेल्प हो जाती, तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।